स्वागत है इस नए ब्लॉग में आप सभी का। तो बहुत मतलब कि राजगीर के बाद आप पहली बार रांची से कहीं बाहर जा रहे हैं। आप सबको पता है राजगीर वाले सिर्फ मैं गया गए थे, तो आज हम गया जा रहे हैं किसी काम से। मेरी दादी का कुछ काम आता, क्योंकि मेरी दादी का जब डेथ हुआ था तो हम सब कुछ काम नहीं होता है, किसी काम पर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रांची स्टेशन पर हैं और अभी हम लोग की ट्रेन आने वाली हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस। तो अभी बस देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग अपने वतन अपने गांव भी जा रहे हैं छपियाना। काफ़ी जबरदस्त लोग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी ट्रेन का अकोमोडेशन वगैरह हम थोड़ा देर में बताते हैं, और अभी बिजी चल रहे हैं तो थोड़ा देर में बताते हैं। बस आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन कर लो वीडियो को, पहले ही लाइक करके रख दो, बाद में लाइक करने का झंझट है, अभी से ही लाइक करके रख दो। और हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, मतलब अपने खुद के गाँव, गाँव का नाम है छपियाना, ठीक है। हम लोग गया नहीं मखदूमपुर गया जा रहे हैं। तो ट्रेन का टाइमिंग है, कितने बजे निकल, कितने बजे पहुँचो, थोड़ा देर बताते हैं। पूरा बहुत ब्लॉग इन्जॉय करो, थोड़ा देर बताते हैं। जा रहे हैं दादाजी और उधर छोड़ने के लिए आए हुए, दीदी से भी बात कराते हैं आपसे, हम लोग को छोड़ने के लिए। पहले मेरा भी प्लान था जाने का, लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी कारण से कैंसिल हो गया। दीदी का भी प्लान था जाने का, पर रीजन के कारण कैंसिल हो गया। ऐसे बात हम लोग नहीं करेंगे। ये इस बार ना ब्लॉग बनाने के लिए बहुत चीज़ ले आए हैं, जैसे कि माइक नहीं था पहले मेरे पास, तो माइक ले आए हैं और एक गोरिल्ला पॉट भी ले आए हैं। इसका ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में पड़ता है, देख चलो सेफ्टी के लिए रहेगा। और माइक ले आए भाई, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा माइक है, उससे काफ़ी अच्छा मतलब कि टेस्ट के ठीक ठाक हो रहा था, आवाज़ अगल बगल नहीं आता। अभी लगाए नहीं, ट्रेन के अंदर लगाएंगे, क्योंकि ट्रेन में थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होता है ना, ट्रेन में लगाएंगे। उधर से लगता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कोई ट्रेन आ रही है। हम लोग की ट्रेन अभी हटिया स्टेशन से आएगी और मैं आपको ट्रेन की आ चुकी है पीछे, अभी मतलब आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट तो स्टेशन पे एंटर करने में लगता है ना। ट्रेन आ चुकी है अपने एकदम ऑन टाइम पे। सात बजकर 40 मिनट पे ट्रेन का टाइम था, 7:40 हो गए, 2 मिनट डिले है, पहुंच ही गया है बस, अब उठना पहुंच चुका है, ट्रेन आ रहा है, होगा तो 1-2 मिनट डिले शुरू हो गया, कोई जल्दी नहीं है। ट्रेन अगर आई, चलो भाई ट्रेन का व्यू देते हैं। अंदर जो है आ चुके हैं,
माइक कैसा काम कर रहा बताना है क्या? इसे तो ठीक ही लग रहा है। इसे माइक कैसा काम कर रहा है? अभी जस्ट फिट किया, पता नहीं यार तार तार हो गया पूरा। अच्छा तो फिट करने आता नहीं एक्चुअली, फर्स्ट टाइम मैं फिट कर रहा। चलो ट्रेन शुरू हो गया, नेक्स्ट स्टेशन पे मिलते हैं। चुके हैं अपना ट्रेन का दूसरा हॉल्ट इसीलिए कि रांची पहला हॉल्ट नहीं, पहले हटिया पड़ता है, हटिया भी रांची के अंदर ही आता है। तो हम लोग इस ट्रेन का पहला हॉल्ट मतलब दूसरा हॉल्ट पहुँच चुके हैं मूरी। क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते, छोड़ो हटा कुछ भी बोलते रहते हैं। तो हम लोग मूरी जंक्शन पहुँच चुके हैं और यहाँ का स्टेशन कोड है MURI। तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, हम झारखंड छोड़ चुके हैं और ये लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ट्रेन कवर कर चुके हैं। तो रात हो चुका, रात के टाइम हम ट्रेन से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहते थे। स्टॉपेज है 5 मिनट का, पर फिर भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, डिस्काउंट लेगा। बाथरूम का भी हाल बेहाल है, मतलब बाथरूम ठीक है, उतना ख़राब भी नहीं कहूँगा, मतलब हाँ थोड़ा सा और साफ सफाई ध्यान देना चाहिए क्योंकि भाई इंडियन रेलवेज का तो जानते हो यार। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ कुछ ट्रेन का बहुत ख़राब रहता है, इसका कम से कम ठीक ठाक है, काम चलाओ है और थोड़ा साफ सफाई करना चाहिए। ट्रेन का तीसरा हॉल्ट बोकारो स्टील सिटी। तो बोकारो स्टील फेमस है अपने फैक्ट्रीज के लिए, यहाँ पे स्टील का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो बोकारो स्टील फेमस है। यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, पर ये ट्रेन जो है यहाँ पे 6 मिनट पहले पहुँची, यानी कि यहाँ पे रुकेगी, मतलब 15 मिनट रुकेगी अभी है टाइम खुलने में, मतलब 10 मिनट रुकेगी। और बहुत सुंदर और साफ सुथरा स्टेशन है बोकारो, मतलब रांची स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है बोकारो का। तो चलो भाई चार जाते हैं, क्योंकि आप अभी हम बताएं कि हमको रात में बहुत डर लगता है ट्रेन से उतरने में। तो चढ़ जाते हैं, पीछे देख लो, और ये लगभग 110 किलोमीटर का डिस्टेंस अब तक कवर कर चुके हैं। हम लोग इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट पहुंच चुके हैं चंद्रपुरा जंक्शन, और ये ट्रेन अपना 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो इसके बाद आएगा घूमो, घूमो में 10 मिनट का स्टॉप है, वहाँ पे हम लोग उतरेंगे। उसके बाद जो है सारे स्टेशन स्किप करेंगे, उसको डायरेक्ट गया पे, ठीक है, डायरेक्ट गया पे मिलेंगे, फिर सो जाएंगे, ठीक है। अभी चंद्रपुरा हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँचे हम लोग, फिर ट्रेन रुकेगी थोड़ी, लेकिन फिर भी आज चढ़ जा रहे हैं क्योंकि रात का 10:30 बज चुका, कौन रिस्क लेगा। पांचवा हॉल्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस घूमो जंक्शन पहुँच चुके हैं और यहाँ लोग पहुँचे लगभग 1 मिनट डिले, तो उसको डिले नहीं मानते। तो यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, यहाँ का स्टेशन कोड है GMO। तो चलो ट्रेन के अंदर चलते, कुछ सामान कर देता पहले, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का। स्किप कर, राइट मिलता है आपको गया पे, ठीक है, गुड नाइट। फाइनली गया जंक्शन पहुँच चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे उतरना है, थोड़ा आगे जाना मखदुमपुर गया जाना है, वहाँ से हम लोग का ना गाँव थोड़ा नज़दीक पड़ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से बेला जाना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्ट हम लोग मखदुमपुर चले जाए, वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। हम लोग पहुँच चुके हैं गया जंक्शन, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट पहले पहुँचे बिफोर, ट्रेन कहीं भी लेट नहीं, बीच में आधा घंटा लेट हुआ तो मेकअप कर लिया। तो भाई डर लगा मेरे को, ट्रेन खुल तो नहीं, ऐसे यहाँ पे आधा घंटा का स्टॉपेज है, आधा घंटा रुकेगी यहाँ पे। तो चलो आपको ट्रेन के दर्शन कराते हैं, ट्रेन का ऐसे दिखा दिया है, फिर भी अगर दिखा देते हैं। नहीं दिख रहा होगा पर हम लोग पहुंच चुके हैं मखदुमपुर गया। तो अब जो है ये ब्लॉग को एंड करते हैं, पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आपको गांव का ब्लॉग दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, और से अमेजिंग ब्लॉग देखने के लिए। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलते हैं यार, बाय। ये जो है पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलेंगे, जो लिखा हुआ है हटिया इस्लामपुर न्यू दिल्ली। तो हो गया, ये पार्ट 1 ब्लॉग बन गया, पार्ट 2 में मिलते हैं। छतियाना हम लोग जा रहे हैं गाँव अपना, वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, और गया भी हम लोग को जाना है, गया का भी जो बनेगा बनाएंगे। तो चलो ट्रेन हमारा जाए जा रहा है, ट्रेन को भी बाय बाय करते हैं।
बाय गाइस, फाइनल बाय, तभी से बाय बाय कर रहे हैं, बाय।